हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ पीयूष महेश्वरी, पीएमएस मुझे बोलते हैं और आप सभी जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं। पी ब्लॉक अपना चल रहा है, ग्रुप 16 आज हम पढ़ेंगे, ग्रुप 18 कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रुप 17 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, पी ब्लॉक ग्रुप 16। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? पी ब्लॉक ग्रुप 16। ठीक है, मैं बता दूं जो बच्चे आज नए जुड़े उनको, ठीक है ना, मैं पिछले 10 सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं, काफ़ी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने पढ़ाया है और बंसल क्लासेस के अंदर एचओडी रहा हूं, ठीक है, अभी भी हूं और मेंटर हूं किसका, प्रखर जगवानी, जिसकी AIR 15 थी, अभी 100% जेई मेन्स के अंदर 78 रैंक थी जेई एडवांस के अंदर, प्लस एडुकेटर हूं और कई सारे IITs NITs मैंने पढ़ाए हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, है ना, और अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अनअकैडमी प्लस के ऊपर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ जल्दी आने वाला हूँ, और इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर PMS सर के नाम से। किसके नाम से? PMS सर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अनअकैडमी प्लस की जो फीस है, काफ़ी नॉमिनल फीस है, उस पर मैं अपने बहुत सारे फैकल्टीज़, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं काफ़ी सारी, उनके साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये लोग पहले से पढ़ा रहे हैं और मैं अभी जल्दी जुड़ने वाला हूँ उसके अंदर, तो आप जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस पे, हम वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, जिसकी फ़ीस मात्र 25,000 रुपीज़ है साल भर की। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोर्स की, साल भर की, साल भर पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, और उसमें अगर आप कोड यूज़ करते हो बेटा क्या, पीयूष लाइव कोड यूज़ करते हो या फिर PMS सर कोड यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और 10% एडिशनल डिस्काउंट के साथ में आपकी फ़ीस 22,500 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम और साथ में पोलोनियम। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन सल्फर, स्ट्रिक्टली NCERT पढ़े बेटा, ठीक है ना, क्लास 12th NCERT ढंग से पढ़े, पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं बता दूं ऑक्सीजन सल्फर जो है वो अपनी नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है वो मेटलॉइड है और पोलोनियम जो है वो मेटल है। पहली चीज़ तो यहीं पे ही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड है और पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है। कौन सी है बेटा? रेडियो एक्टिव मेटल है। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 हो जाएगा। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा अपने पास में इनर्ट गैस 2S2 2P4, फिर सल्फर का हो जाएगा बेटा 3S2 3P4, ठीक है, सेलेनियम का हो जाएगा 3D10 4S2 4P4, ठीक है, और टेल्यूरियम का हो जाएगा कितना, 4D10 5S2 5P4, ठीक है ना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पोलोनियम पे आओगे तो वहाँ पे आपको साथ में 4F14 5D10 6S2 6P4 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो बात हो गई किसकी, कॉन्फ़िगरेशन की, मेटल नॉन मेटल की। ऑक्सीजन जो है वो किसकी फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म O2 है। सल्फर की स्टेबल फॉर्म S8 है, ठीक है ना, सेलेनियम की जो है वो SE8 है, टेल्यूरियम जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखो है क्या कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो इसमें मेटेलिक नेचर ज़्यादा होता है, इसके अंदर नॉन मेटेलिक नेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से। टेल्यूरियम T8 की फॉर्म में मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पर उसके जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? पॉलीमेरिक। जैसे ऑक्सीजन O2 के साथ साथ O3 में भी मिलता है, पर मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है बेटा? O2। सल्फर बहुत सारी फॉर्म में मिलता है, मतलब n नंबर ऑफ एलोट्रॉप से किसके? सल्फर के, ठीक है, पर मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? S8 होती है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज आ चुकी है किसकी, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने पास है एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम
टेल्यूरियम की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाएगी तो रेडियस बढ़ती चली जाएगी, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम में टेल्यूरियम की रेडियस ज़्यादा होती है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज को अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पर रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। आयनिक रेडियस की बात करें तो ऑक्सीजन O-2, सल्फर S-2, सेलेनियम Se-2 और टेल्यूरियम Te-2, साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, ऑक्सीजन की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल यहां पे भी रीजन क्या हो जाएगा बेटा साइज। फिर बात आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, पर होती किसकी है, सल्फर की है। क्यों होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज छोटा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पे इस एटम पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम फील होता है, और कम फील होता है इस वजह से, कम फील होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज़्यादा, पर सल्फर और सेलेनियम में कोई रिपल्शन का चक्कर नहीं है, जिसका साइज छोटा होगा उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो सल्फर सेलेनियम में सल्फर की ज़्यादा, सेलेनियम टेल्यूरियम में किसकी ज़्यादा, सेलेनियम की ज़्यादा। ओवरऑल ऑर्डर बनाएंगे तो सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, समझ गए क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रीजन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यहां पे कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है। फिर एक कंफ्यूजन और दूर करें, यह कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, बना O-, अब O- कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p5, और फिर इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया O-2। यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होती ही है, पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। उनको क्यों लगता है, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो उनको लगता है कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ गए बात को, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है, पर बेटा फिजिक्स कहीं फेल नहीं होगी। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 Se8 और टी पॉलीमेरिक फॉर्म हो गई, तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेल्यूरियम का होगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट Se8 का ज़्यादा होगा इसलिए ये, और S8 का मॉलिक्यूलर वेट O2 से ज़्यादा होगा। अगर फिजिकल स्टेट की बात करूँ, ये तो हो गए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये गैस होता है और बाकी सब सॉलिड होते हैं। सल्फर भी किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो ये फिजिकल स्टेट भी हो गई बेटा। नेक्स्ट उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सेलेनियम सिंगल बॉन्ड, टेल्यूरियम सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वैसे तो होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, पर होती किसकी है, सल्फर की, क्योंकि यहां पे अगेन लग गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या लग गया,
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब लोन पेयर के बीच का रिपल्शन, और रिपल्शन लगने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया है इसलिए जल्दी टूट जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी सल्फर की ज्यादा, सेलेनियम की कम, टेल्यूरियम की और कम, और ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाएगी अपने ग्रुप के अंदर बॉन्ड एनर्जी। इस वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो O8 का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। पर अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड एनर्जी जो है वो O डबल बॉन्ड O और सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर में O डबल बॉन्ड O की ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि S2 की फॉर्म में। S2 की वेपर्स बनती है, हाई टेम्परेचर पे बनती है, वो मैं बताऊँ 1000 केल्विन पे बनती है, और ये हम पढ़ेंगे अभी सल्फर के एलोट्रॉप जब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो ये आज की क्लास में ये नहीं आएगा। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो सल्फर S8 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की। तो हाइड्रेशन एनर्जी O-2S-2AC-2 और T-2 क्या हो रहा है बेटा, चार सब पे सेम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा O-2, उससे कम S-2, उससे कम AC-2- और सबसे कम T-2-, ये इनके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला पॉइंट आएगा ऑक्सीजन शोज -1 -2 0 +1 and +2 +1 +2 विथ फ्लोरीन, ठीक है ना, और -1 -2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद में है ना, ऑल एलिमेंट्स शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, समझ गए। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एज वी मूव टॉप टू बॉटम। स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी है, नीचे वाले की है, क्योंकि उसमें मेटलिक नेचर ज़्यादा है, उसके इलेक्ट्रॉन के रखने की टेंडेंसी कम है, इस वजह से -2 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी। तो -2 सबसे ज़्यादा स्टेबल किसकी हुई, ऑक्सीजन की हुई, समझ गए। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड पॉइंट, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम शोज +2 +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए क्या, +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसमें भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +4 and +6 होती है, ठीक है ना। +6 शोज विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, किसके साथ शो करते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने बताया था ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ किसके साथ आती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और पॉइंट समझना, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एज वी मूव टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। स्टेबिलिटी जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होगी और लोअर की इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है,
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इनर्ट हो जाता है, समझ में आ गई बात। तो स्टेबिलिटी जो है वो प्लस टू की ऊपर से नीचे जाने पर या प्लस फोर की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी और प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब प्लस सिक्स ईजिली कौन बनाएगा, सल्फर बनाएगा, टेल्यूरियम के प्लस सिक्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ गए बात को, क्लियर एकदम। फिर उसके बाद में ये हो गई अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में बात आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसके बीच में एनसीईआरटी में एक और पॉइंट आता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। इन सब की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, सिक्स होती है, पर बेचारे ऑक्सीजन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी, टू होती है, ठीक है ना। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई बात। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से स्मॉल साइज होता है तो स्टेरिक क्राउडिंग का कोई चक्कर नहीं होता है, इजीली डबल बॉन्ड बना लेता है, स्टेबल डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो इन सबसे सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर एकदम। नेक्स्ट, उसके बाद में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। फिर देखें इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो दे फॉर्म, ये सब एनसीईआरटी की लाइन चल रही है बेटा, दे फॉर्म SO2 एंड EO2, दे फॉर्म EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स, ठीक है ना, EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में O3 एंड SO2 आर गैसेस, ठीक है ना, और TO2 इज सॉलिड, ठीक है। TO2 क्या होता है, सॉलिड पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है। O3 एंड SO2 आर गैसेस, SeO2 इज क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। क्यों ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मॉलिक्युलर वेट बढ़ रहा है, पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम हो रही है, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फर प्लस फोर में है, जाना चाहता है प्लस सिक्स में, अपना ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, इस वजह से SO2 से प्लस फोर से प्लस सिक्स में इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। वाइल TO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों भाई, लोअर और हायर की स्टेबिलिटी का यूज आ गया ना, प्लस फोर से जाएगा किसके अंदर, प्लस टू के अंदर। ऊपर से नीचे जाने पर हायर की स्टेबिलिटी कम होती है, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो नीचे वाला लोअर में जाना चाहता है, ऊपर वाला हायर में जाना चाहता है, इसलिए SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और TO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वो अपना रिडक्शन करा लेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कंप्लीट है। नेक्स्ट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। तो देखें यहाँ पे दे फॉर्म EX2, EX4 और EX6 टाइप कंपाउंड्स, वेयर ई इज इक्वल टू सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, क्योंकि 4-6 वैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4 और +6 हो जाएगी। फिर अगला स्टेटमेंट देखें, ओनली
फ्लोराइड्स एग्जिस्ट इन प्लस सिक्स मतलब SF6, SeF6 और TF6 एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी एग्जिस्ट मतलब बात करें SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग वहां पे रीजन आ जाएगा, समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में ऑल आर गैसेस, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे इसलिए सब के सब गैसेस होंगे। फिर उसके बाद में और देखो SF4 इज गैस, SeF4 लिक्विड और TF4 सॉलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम हो रही है, तो TF4 पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, TF4 पॉलीमेरिक सॉलिड होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, टेल्यूरियम फ्लोरीन फ्लोरीन लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन, ये एक टेल्यूरियम है ना TF4, ये दूसरा, ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से ये चेन चलती चली जाएगी और TF4 का सॉलिड बन जाएगा और TF4 सॉलिड में टेल्यूरियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। कैसा होता है? sp3d2 होता है। तो TF4 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो पॉलीमर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट समझे दे ऑल्सो फॉर्म मोनोहेलाइड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ढंग से समझें चीजों को, ठीक है ना। मैंने बोला है कि जो ये मोनोमेरिक है मतलब मोनोहेलाइड है, वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा SeCl Se2Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों है? देखो भाई, सेलेनियम के आउटर मोस्ट शेल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? दो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। पर मोनोहेलाइड बोला है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उस अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक SeCl जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा SeCl जिसके पास दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बना के डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और अपन इसको बोलते हैं क्या? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सभी डाइमेरिक मोनोहेलाइड्स का होता है। अब देखो, जब इनको हीट करते हैं तो ये डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 and +6 होती है। कौन सी होती है? +4 and +6 होती है। पर अभी एक और चीज डिस्कस करी थी कि +6 में सिर्फ फ्लोराइड मिलते हैं, क्लोराइड नहीं मिलते हैं। तो जब इसको गर्म करेंगे तो या तो +4 का बनाएगा या +6 का बनाएगा, पर +6 में क्लोराइड नहीं मिलते हैं, इसलिए एक बनेगा SeCl4। क्या बनेगा? SeCl4। और साथ में दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, कौन सा? Se, क्योंकि जब हायर में गया है तो लोअर में भी आना है, और लोअर में सेलेनियम पे चार्ज कितना आएगा भाई? +1 है ना, तो +1 से नीचे जाएगा तो जीरो या नेगेटिव, और नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं। नेगेटिव क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नेगेटिव में ले जाने के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, और जब कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाना पसंद करेगा? जीरो में जाना पसंद करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो Se2Cl2 मोनोहेलाइड है, मोनोहेलाइड गर्म करने पहली बार डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा,
और ये गर्म करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें आती है उसको यूज करें कि भैया नीचे जाएगा तो नीचे नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, जीरो में जाएगा तो सेलेनियम लिख दिया, हायर में जाएगा तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर और प्लस सिक्स है, प्लस फोर प्लस सिक्स में क्लोराइड बनेगा नहीं तो क्या बन जाएगा, प्लस फोर बनेगा, प्लस फोर के अंदर क्या बनेगा, ACCL4 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, किसकी, ग्रुप 16 एलिमेंट की, किसकी बेटा, ग्रुप 16 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन किसकी, O2 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जनरल जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर अपन ने एक और पॉइंट डिस्कस नहीं किया, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन पे चलते हैं। तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, देखें दे फॉर्म EX2 टाइप कंपाउंड when react with hydrogen, ठीक है, formation of H2O and H2S is exothermic, सब NCERT है बेटा, सब NCERT है, exothermic, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना जल्दीबाजी में, इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, वाइल फॉर्मेशन ऑफ H2SE एंड H2TE इज एंडोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है ना तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है, इस वजह से एनर्जी प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाती है। ठीक है, H2O, H2S, H2SE, H2TE ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर अपन बात करें एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, एसिडिक नेचर मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, H2O एम्फोटेरिक होता है, H प्लस भी दे सकता है, OH माइनस भी दे सकता है, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, H2S, H2SE, H2TE। ठीक है, फिर उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो H2O का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर हो रही है बेटा H बॉन्डिंग, बाकी को देखेंगे किससे, वंडरवॉल फोर्सेस या मॉलिकुलर वेट से। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्योंकि कोई एच बॉन्डिंग नहीं है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो उसके हवा में जाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है और वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से H2O के बाद में नंबर आएगा किसका, H2TE का, फिर H2SE का और उसके बाद में H2S का। तो ये हो गए अपने कौन से, मॉलिकुलर वेट वाले, और ये हो गया अपना कौन सा, एच बॉन्ड वाला। इस तरीके से अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, जिसके अंदर पहले अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया, फिर अपन ने हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया और यहाँ पे हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी, उससे पहले रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बेसिक एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात आती है किसकी, प्रिपरेशन ऑफ O2 की, किसकी बात आती है, प्रिपरेशन ऑफ O2 की। तो प्रिपरेशन पे चलते हैं, प्रिपरेशन में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हीटिंग ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, KClO4 KNO3, ये सब गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस देते हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज किए जाते हैं। जैसे मैं KMnO4 की बात करूं,
तो इसको हीट करने पे मिलता है क्या, K2MnO4 प्लस MnO2, साथ में क्या O2 ऑक्सीजन का सोर्स। K2Cr2O7 को हीट करने पे मिलता है क्या K2CrO4। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट के अंदर पढ़ाऊंगा मैं, Cr2O3 और साथ में क्या O2 सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। KClO4 को हीट करते हैं तो मिलता है क्या KCl साथ में क्या O2, है ना। O2 का बनना फेवरेबल है इस रिएक्शन में Cl2 के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर KNO3 लिया बेटा, KNO3 को हीट करते हैं तो KNO2 साथ में O2, तो ये सब क्या हो गए, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन पहला कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है ना। ये सब गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन चलते हैं इसी में और, सेकंड हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जैसे कि Ag2O, ब्लैक ब्राउन कलर का सॉलिड है, हीट करने पे Ag+O2 दे देता है बहुत कम टेम्परेचर पे। HgO जो है वो रेड येल्लो कलर का सॉलिड है और गर्म करने पे दे देता है Hg+O2, लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। CuO ब्लैक ब्राउन, ब्लैक कलर का सॉलिड गर्म करने पे लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है Cu2O और साथ में क्या O2 रेड कलर का दे देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। थर्ड पे चलते हैं, हायर ऑक्साइड जैसे कि ले लिया मैंने PbO2। Pb की +2 और +4 में +4 ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, +2 ज़्यादा स्टेबल होती, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। PbO2 हीट करने पे देता है क्या PbO+O2। Pb2O3 इज वॉट Pb O.PbO2, ठीक है। ये भी हीट करने पे क्या देगा PbO+O2, ठीक है। ऐसे ही Pb3O4 मतलब Pbo.PbO2, है ना, 2PbO.PbO2 हीट करने पे देगा क्या Pbo+O2। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड अपन को मिलता है Pbo+O2। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट समझने की कोशिश करें, हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ आ जाएगा अपने पास में हीटिंग ऑफ H2O2। H2O2 को हीट करेंगे, मतलब H2O2 तो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे रख दो, या ज़्यादा डिकम्पोजिशन करना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, तो H2O+0.5O2, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ सबसे बढ़िया क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पे अपन को मिल जाएगी क्या हाइड्रोजन, और एनोड पे अपन को मिल जाएगी क्या ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से भी अपन को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं बेटा, अभी तो और भी तरीके हैं, देखो ढंग से। ये जो अपने क्या बोलते हैं एयर होती है, एयर का क्या करेंगे लिक्विफिकेशन करेंगे, मतलब पूरी की पूरी एयर को लिक्विफाई कर लेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। लार्ज अमाउंट में डाई ऑक्सीजन बनानी है तो इस तरीके को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, लिक्विफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये लिक्विफिकेशन करेंगे तो एयर आ चुकी है कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे इसको लेके जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरीके से आपको O2 गैस मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी O2 गैस। N2 बनाने का भी यही तरीका है, O2 बनाने का भी यही तरीका है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। इसमें CO2 वगैरह होती है तो उसको बेस के ऊपर से पास कर दो तो बेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। फिर जो एयर बचती है लिक्विड फॉर्म में, उसमें N2 और O2 होती है, तो अपन क्या करते हैं, पहले लिक्विफाई कर रखा है ना,
तो पहले क्या उड़ेगी, N2 उड़ेगी, क्योंकि N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले N2 प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर O2 प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जब आप इंडस्ट्री लगाते हो ना ऑक्सीजन बनाने की, तो वहाँ पे आप नाइट्रोजन के सिलेंडर भी बना सकते हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बना सकते हो, किससे, एयर के लिक्विफिकेशन से। समझ में आ गई बात, क्लियर? अब लिक्विफिकेशन क्या करना है, एयर को इकट्ठे करते जाओ, प्रेशर को बढ़ाते जाओ, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, लिक्विफाई होती चली जाएगी। क्लियर बात? तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन ऑफ O2 समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्रियल मेथड, ये लार्ज अमाउंट में एयर बनानी और डाई ऑक्सीजन बनानी है, तो एयर के लिक्विफिकेशन फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये सब जितने भी तरीके अपन ने पढ़े, ये सब क्या बनाने के हैं, डाई ऑक्सीजन बनाने के तरीके हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में चलते हैं, इधर आ गया, ले भाई, ठीक है, इरेज ऑल इंक। अब देखो, अपने पास में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करें, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज। O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, सबने पढ़ रखा है ना। O2 गैस से O2 लिक्विड जाते हैं, O2 लिक्विड से O2 सॉलिड जाते हैं, ठीक है। तो नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा O2 है वैसा का वैसा ही रहेगा, O2 मतलब O2 ही रहेगा, पर कलर में चेंज होता है, ये कलरलेस गैस है। पेल ब्लू, पेल का मतलब हल्का होता है, पेल ब्लू लिक्विड है, और डार्क ब्लू सॉलिड है, ठीक है। तो ये O2 के कलर हो गए, ठीक है। अब O2 जो है, O2 ऑलमोस्ट या वेरी ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल लिख दो, क्योंकि नॉन पोलर है, या वेरी वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर, पर जितनी भी डिजोल्व होती है उतनी सफिशिएंट होती है, किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है ना। जितनी भी डिजोल्व होती है उतनी सफिशिएंट होती है, किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है ना। अगर मैं O2 की रिएक्टिविटी की बात करूं, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एक्सेप्ट AuPT इनर्ट गैसेस, ठीक है ना, नोबल मेटल एंड नोबल गैसेस, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, लगभग सभी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बट टू इनिशिएट रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है O2 की, तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जनरली क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मेरे ख्याल से ये O2 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन ऑलमोस्ट सभी के साथ कर लेता है, जैसे लिथियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Li2O बनाता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस P4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, P2O5 बनाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जो अपन टाइम टू टाइम पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, इसके यूजेस में आता है, एक तो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग के अंदर ऑक्सी वेल्डिंग होती है ना, एक एक तो अपने टॉर्च ले लेते हैं, किसकी, मतलब टॉर्च वेल्डिंग होती है, तो जो गैस सिलेंडर होते हैं, दो गैस सिलेंडर एक में तो कार्बाइड होता है, तो उससे निकलती है एसिटिलीन,
ठीक है, ये जलना चाहती है, एक में लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जलाती है, एक दोनों एक टॉर्च पे जाके मिलते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्च से जो निकलती है ऑक्सीजन और C2H2, तो इसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज फ्यूल, रॉकेट फ्यूल। ट्रिमेंडस मिक्सचर बनता है, ट्रिमेंडस थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है एकदम से, जब O2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ में, मतलब दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हैं, मतलब है ना, जो रॉकेट फ्यूल का काम करता है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो NO गैस बनती है और साथ में H2O बनता है, ठीक है। NO जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बना है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये थोड़ा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट भी आ गया अपना यहाँ पे। NO जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली बना है। NO जो है वो O3 ओजोन से रिए, सुपरसोनिक जेट और रॉकेट से निकलने वाला जो NO है वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का काम करता है। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन भी हो गया यहाँ पे, NO O3 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाता है, जिसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड रेन के अंदर होता है, एसिड रेन का रीज़न होता है क्या? NO2। इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो गई, पता चल गई। रॉकेट फ्यूल क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक में कौन होता है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, ओजोन डिप्लेशन, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। तो ये मेन यूज़ थे, ऑक्सीजन एक मेन तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, उसके बिना अपन जी नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो ब्रीथिंग के अंदर हो गया, वेल्डिंग के अंदर हो गया, फ्यूल की फॉर्म में हो गया। तो ये वो छोटे मोटे रूल वो है, क्या बोलते हैं अपने, यूजेज है इसके। फिर इसके अलावा क्या आता है उसके अंदर, NCERT में ऑक्साइड्स दे रखे हैं। तो ऑक्साइड्स जो है वो मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ाता हूँ। किसके अंदर पढ़ाता हूँ? पीरियोडिक टेबल में। बार बार चीज़ों को पढ़ने का मतलब नहीं है बेटा। पीरियोडिक टेबल में अपन नेचर ऑफ ऑक्साइड नाम से एक लेक्चर आएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड उसके अंदर पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो इसी के साथ में अपना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ O2 ख़त्म हो जाता है। क्या ख़त्म हो जाता है? प्रिपरेशन ऑफ O2 ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और उसकी रिएक्शंस यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं। और जनरल रिएक्शंस तो अपन पढ़ेंगे ही सही आगे जाके, जैसे कि जब अपन एस ब्लॉक पढ़ेंगे, जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो उनके अंदर भी यूज़ आएगी कि रिएक्शंस के अंदर क्या क्या, कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल है, कौन क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है, कौन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक कंप्लीट करते हैं। NCERT में बहुत सारा है, आप उसको पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए, ठीक है ना। मैसेज करिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।